देश सेवा पर मोहे हैं। शुभ कर्मन ते कब हूँ ना डरूँ, ना डरूँ और सो जब जाए लरूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। माननीय चेयरमैन, मुझे लगता है कि जो ये सरकार वाले हैं 10 साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियरिटी भी नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर। आप उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री जी बैठे हुए चिराग पास में, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम, ये सिंसियरिटी है। थोड़ा सा शांति बना के रखिए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कहाँ है इनके मेंबर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है होम मिनिस्टर, माननीय सदस्य है हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है, देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। स्पीकर साहब, माननीय चेयरमैन जी, मैं जब जीत कर आया सबसे पहले मैंने माननीय श्री अंबेडकर साहब की मूर्ति पे नमन करना चाहा। मैं वहाँ गया तो वहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ से उठाकर पीछे कर दी गई कहीं। लेकिन ये लोग समझ लें कि ये मूर्ति पीछे कर सकते हैं अंबेडकर साहब की, उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते, ये उनकी सोच को मार नहीं सकते और उनको इस संविधान जो उन्होंने दिया है उसको बदल नहीं सकते। लोगों ने बता दिया इनको कि आप संविधान नहीं बदल सकते, पूरी मेजॉरिटी नहीं दी इसीलिए इनको, और इसलिए मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। माननीय चेयरमैन जी, 22 तारीख को बजट पेश हुआ, मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं। पहली बार आया हूं सदन में, जलंधर के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहां खड़ा किया लेकर, उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नए कपड़े डालकर आया कि बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को, बताने को। पंजाब में जाकर मैं और सारे एमपी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या क्या मिला, नए कपड़े मेले जैसे आया मैं। लेकिन यहाँ आकर खोदा पहाड़ लिकड़ा चूहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। ये सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है, चश्मा राजनीति वाला लगाया हुआ है, राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। अपनी सरकार बचाने का फिक्र है, कुर्सी को पकड़े हुए हैं, और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला है। पंजाब में जो बाढ़ आई इनको दिखी नहीं, गरीब लोग जो मनरेगा में काम करते हैं जिनको कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार ने गारंटी दी थी 100 दिन की, ये 100 से 101 भी नहीं कर सके, 200 नहीं कर सके, ये उनकी 400 दिहाड़ी उनका जो वेज है वो बढ़ा नहीं सके। गरीब की कोई सुनवाई नहीं इस बजट में, पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया,
जलंधर इंडस्ट्री पंजाब की डूब रही है, जलंधर में लेदर इंडस्ट्री है, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो डूब रही है, कुछ उसके लिए नहीं किया। हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। स्मार्ट सिटी जलंधर डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पानी गंदा आ रहा है, सड़कें खराब हैं, रेलवे अंडरब्रिज की बात नहीं की। नशा अभी राजा बड़िंग जी ने भेजा, बोला नशा इतना फैल गया पंजाब में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। आदमपुर एयरपोर्ट का इन्होंने कहा था नाम, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उसका नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखेंगे, लेकिन आज तक नहीं। मैं वो भी मांग करता हूँ, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। माननीय चेयरमैन जी, 24-25 के जो बजट में एस्टीमेट दिए गए हैं, उसमें 32 लाख करोड़ रुपए की आमदन दिखाई गई है और 48 लाख करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया है। 16 लाख करोड़ का घाटा है आमदन और खर्च में। जिस घर का 16 लाख करोड़ का घाटा होगा एक साल में, उसकी बर्बादी तय है, और ये बीजेपी वाले तय कर रहे हैं। और मैं 14 लाख करोड़ इस साल कर्जा लेने की बात की गई है, 14 लाख करोड़ अगर ऐसे हर साल कर्जा लेंगे, देश कहाँ जाएगा। आज देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो रहे हैं, और बीजेपी ये हालात पैदा करने के लिए जिम्मेवार है। और ये कहते हैं कि जी हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है। इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था, उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहाँ तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमरजेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देश द्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी, किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं।
सुन लो भैया, सुन लो, सुन लो। माननीय चेयरमैन जी, मैं पंजाब के एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी पढ़ाई सारी सरकार ने की। आज तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये कांग्रेस सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी और अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान और जो हमें स्कॉलरशिप मिलता रहा, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया, उससे पढ़कर मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। और ये देन कांग्रेस पार्टी की है। और जब बीजेपी सरकार 2014 में आई, सबसे पहले इन्होंने जो सबसे बुरा काम किया वो किया स्कॉलरशिप में, जो केंद्र का 90% हिस्सा था उसको 60-40 की रेशो पे ले आए और दलितों के पेट पे लात मारी सरकार ने। और आज भी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप जो गरीब लोगों के बच्चों को मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं इस सरकार द्वारा। ये दलितों के पेट पर लात मार रहे हैं। और मिनोरिटी के भी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप इस सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए। बीजेपी जब ये सरकार बनी 2014 में, तो प्रधानमंत्री जी ने दो मापदंड देश के सामने, देश की इकोनॉमी को देखने के लिए रखे। एक रखा डॉलर की कीमत, दूसरा रखा पेट्रोल और डीजल की कीमत। और मैं आपको माननीय चेयरमैन जी ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपए बढ़ गई है 10 साल में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में ये सिर्फ 13 रुपए बढ़ी थी, डबल बढ़ी है इस सरकार में। और मोदी जी उस समय बोले थे 14 में जब सरकार बनी नहीं थी, डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से जो रुपया गिरा उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था, क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है, ये जवाब देना होगा आपको। देश जवाब मांग रहा है, समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपये की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था, जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी डूब रही है, क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है। दूसरा, पेट्रोल की कीमतें, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने 2014 में के पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मनमोहन सिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देश डूब रहा है। तो पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपए बढ़ गई हैं, पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें 35 रुपए बढ़ गई हैं, जबकि पिछले जो मनमोहन सिंह का समय था उससे क्रूड ऑयल की कीमत $20 प्रति बैरल कम हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पेट्रोल बढ़ रहा है या आपकी कंपनियों की, आपके आमदनियों की आमदन बढ़ रही है? क्या बढ़ा रहे हो, किसको दे रहे हो देश का पैसा, कहां जा रहा है पैसा, गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल कराने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है, 4 रुपये प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति, देश का गरीब
सरकार को देता है चलने का, 1 किलोमीटर चलो 4 रुपए सरकार को गए, और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है, और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक है, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपने ले लिया आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया वहां फिर मुझे बुक्के मिला, वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं, उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं, और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी, और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है, और प्रधान जी बुके लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए, आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो, और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? प्रधान सेवक जो हार समझकर पहना था, गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता पे काबज हुए, और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं, उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, इनको बुलाइए।
वो पंजाब से आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेंत सिंह जी उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो, ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई, सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। माननीय चेयरमैन जी आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी बैठो राजा, अरे अरे बोलूंगा उसको बिठाओ अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है, और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आज, अरे सुनो भैया, बैठ जाओ सर, बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी।